स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी कोर्स बुक भाषा कलर्स पार्ट 6। गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 चिल्ड्रन। नाउ आई विल से दिस थर्ड चैप्टर गुल्ली डंडा एक्सरसाइज नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। क्वेश्चन, लेखक ने खेलों का राजा किसे कहा है? आंसर, गुल्ली डंडा। नेक्स्ट, गुल्ली क्लब का चैंपियन कौन था? गया। नेक्स्ट ग नंबर, 20 साल बाद कथानायक क्या बन गया? आंसर, इंजीनियर। नंबर घ, बड़ा होकर गया क्या काम करने लगा? आंसर, डिप्टी साहब का साइज। वंग, कथानायक अभ्यास की कमी की कसर कैसे पूरी कर रहा था? आंसर, बेईमानी से। देन पठन एवं लेखन कौशल। दिस क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देखिए। नंबर क क्वेश्चन, कथानायक ने गुल्ली डंडे को खेलों का राजा क्यों कहा है? आंसर, लेखक ने गुल्ली डंडे को खेलों का राजा कहा है क्योंकि इसके लिए किसी औपचारिक साजो सामान की आवश्यकता नहीं होती, इसे कहीं भी खेला जा सकता है। इसे खेलने के लिए 2 खिलाड़ी भी पर्याप्त होते हैं। कंप्लीट दिस आंसर। देन नेक्स्ट नंबर ख, 20 साल बाद कस्बे में लौटने पर कथानायक को क्या परिवर्तन दिखाई दिए? आंसर, 20 साल बाद कस्बे में लौटकर लेखक ने देखा कि जहां खंडहर था वहां पक्के मकान थे, जहां बरगद का पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था, उस स्थान की काया पलट हो गई थी। देन नंबर ग क्वेश्चन, सब लड़के गया का दौड़कर स्वागत क्यों करते थे? ये आंसर, गया जिसकी तरफ से खेलता था उसकी जीत निश्चित होती थी, इसीलिए सब लड़के उसका दौड़कर स्वागत करते थे। देन नंबर घ, गया कथानायक की किस बात के लिए मुश्किल से राजी हुआ? आंसर, गया अफसर बन गए लेखक के साथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। देन नेक्स्ट नंबर वंग, गया की सरलता देखकर कथानायक ने क्या उदारता दिखाई? आंसर, गया की सरलता देख लेखक को उस पर दया आने लगी और उन्होंने बड़ी उदारता से उसे दांव देना तय किया। कंप्लीट देन दिस नंबर 2, क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। कथानायक बचपन की किन स्मृतियों को याद कर रहा था? ये आंसर, कथानायक बचपन की किन स्मृतियों को याद कर रहा था? ये आंसर क्या है? लेखक के बचपन की मीठी स्मृतियां है प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ के टहनियों से गुल्ली डंडे बनाना, खिलाड़ियों का जमघट, लड़ाई झगड़े और भेदभाव से दूर सरल स्वभाव के साथ उत्साह और लगन से खेलना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ख, बचपन में खेलते समय वे दोनों कैसा व्यवहार करते थे? आंसर,
बचपन में खेलते समय लेखक और गया परस्पर बराबरी का व्यवहार करते थे। धांधली या बेईमानी करने पर लड़ते झगड़ते थे। हार जाने पर खेल छोड़कर भागना चाहते थे। वे आपस में मारपीट भी कर लेते थे। कंप्लीट दिस आंसर। द नेक्स्ट नंबर गो। बड़ा हो जाने के बाद कथानायक और गया के बीच खेले गए गुल्ली डंडे के खेल का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। आंसर। बड़े हो जाने पर गया अपने मित्र जो कि अब अफसर बन चुका था उसे खेल खिला रहा था। वह उसकी धांधलियां बर्दाश्त कर रहा था और वो जानबूझकर उन्हें खेलने का अवसर दे रहा था। अपना दांव आते ही उसने जल्दी से अपना दांव खो दिया। कंप्लीट। देन नेक्स्ट नंबर घ। कथानायक को कब और कैसे अनुभव हुआ कि गया उसे अपने जोड़ का नहीं समझता। आंसर। गांव वालों के बीच हुए गुल्ली डंडे के मैच में गया को खेलते देखे लेखक को लगा कि गया उसे अपने जोड़ का नहीं समझता। लेखक के साथ खेलते समय गया जो अनाड़ीपन दिखा रहा था वह लेखक के पद का लिहाज था। लेखक की अफसरी ने उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी थी। कंप्लीट दिस आंसर। द नेक्स्ट वंग। एक श्रेष्ठ खिलाड़ी वही होता है जो खेल भावना से खेलता है। पाठ के आधार पर बताइए कि क्या कथानायक एक अच्छा खिलाड़ी था। आंसर। एक श्रेष्ठ खिलाड़ी वही होता है जो ईमानदारी से खेलता है और हार जीत को समान भाव से ग्रहण करता है। पाठ के आधार पर कथानायक बचपन से लेकर बड़ा होने तक हमेशा खेल में बेईमानी करता रहा, इसलिए उसे एक अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता। कंप्लीट। देन नेक्स्ट फिलअप। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बचपन की मीठी ड्यास में गुल्ली ही सबसे मीठी थी। आंसर। स्मृतियों। देन नंबर ख। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से ड्यास हो गया। आंसर। तबादला। देन गो। मेरे ड्यास में एक लड़का गया नाम का था। आंसर। हमजोलियों। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। नंबर घ। जहां ड्यास था वहां पक्के मकान खड़े थे। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे। देन वंग। मैं तरह तरह के ड्यास कर रहा था। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। देन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। थैंक यू।